हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आपके लिए एक गुड न्यूज आया है, खास करके अगरतला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं अगरतला मेडिकल कॉलेज के डीन के तरफ से लेटर भेजा गया था नंबर ऑफ सीट इंक्रीमेंट के लिए, उसका परमिशन मिल चुका है एनएमसी के द्वारा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये अप्रूवल लेटर भेज दिए हैं एजीएमसी को, जो कि उनके साइट्स पे अवेलेबल है। ये 27 जून को ये लेटर अप्रूव्ड हो चुका है, लेटर ऑफ परमिशन। इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ एमबीबीएस सीट्स एट अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आपके अगरतला मेडिकल कॉलेज में एजीएमसी में नंबर ऑफ सीट्स पहले से बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, क्या क्या बढ़े हैं, आइए बात करते हैं डिटेल में। तो आप अगर पुराने न्यूज को देखें, पहले नंबर ऑफ सीट्स जो हुआ करते थे वो 100 थे और अब हो गए हैं कितने, 150, है ना। एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन नंबर दिस फॉर इंक्रीज ऑफ 50 एमबीबीएस सीट्स फ्रॉम 100 टू 150 एट अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इट इज इन्फॉर्म दैट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ योर एप्लीकेशन इट हैज बीन डिसाइडेड टू अप्रूव 50 सीट्स फ्रॉम 100 टू 150 एमबीबीएस सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। तो खास करके 2024-2025 इस सेशन में जो एडमिशन लेने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। वैसे आप सभी को पता है कि पेपर लीक का मामला हो या ग्रेस मार्क का मामला हो, इन सब की वजह से शुरुआत से ही 2024 में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए और अभी भी स्टूडेंट डेलिमा में है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस बार रीनीट हो, मैं मानता हूं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट लास्टली डिसाइड करेंगे। सीबीआई जांच ऑलरेडी हो रहे हैं, पेपर लीक के अगर ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको रीनीट होता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूंगा खास करके जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो खास करके 2024 में पेपर दिए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना पढ़ते रहना चाहिए, उनको पढ़ाई करते जारी रखना चाहिए। अगर किसी का सिलेक्शन ऑलरेडी लगता है कि हो गया है तो भी रीनीट होने के चांसेस अब ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फिर से जिस तरह से आप क्लास नोट्स पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, इसके अलावा जो डीपीपी सोल्व करते थे, टेस्ट पेपर टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करते थे, उसका फ्रीक्वेंसी शुरू बढ़ा दीजिए। और ये अगर आप छोड़ दिए हैं तो फिर से शुरू कर लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए रीनीट नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। हाँ, अगर रीनीट हो जाता है तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है इस समय कि टाइम को वेस्ट ना करें। तो रीनीट के बहुत ज्यादा चांसेस है और इस बीच ये एक शानदार न्यूज है आपके लिए। 100 सीट हुआ करता था एजीएमसी में, अब हो गए हैं 150 सीट, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और बढ़ चुकी है, इसीलिए आप खूब मन से पढ़ाई कीजिए। तो नंबर ऑफ सीट जो है पहले 100 हुआ करते थे, अब 150 हो चुका है ना। ये पूरा लेटर ऑफ परमिशन है, बाकी इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज लिखे जाते हैं, साइन बाय जीतूलाल राम प्रसाद मीना, ये एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से अप्रूवल लेटर मिला है ये 27 जून 2024 को, ठीक है। बाकी ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज कितने कितने हो सकते हैं, क्या टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे आपसे। प्रीवियस एमबीबीएस सीट जो हुआ करते थे एजीएमसी में, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 39 हुआ करते थे, और अनरिजर्व कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस के लिए वो 10 हुआ करते थे, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 30 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 हुआ करते थे पहले। ये पुराना था, अब जो है नंबर ऑफ सीट जो 150 हो चुका है, तो अब जो टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं वो अनडिजर्व के लिए वो 58 हो सकते हैं, और अनडिजर्व पीडब्ल्यूएस के लिए 15 हो सकते हैं, एससी के लिए 24 हो सकते हैं, एसटी के लिए 45 हो सकते हैं
और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 हो सकते हैं। तो कुल मिला के नंबर ऑफ सीट्स जो है पहले से इंक्रीज हुआ है, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आप पूरे जी जान से पढ़ाई कीजिए। और मैंने पहले बोल दिया रीनीट के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, रीनीट के चांसेस बढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी डिबेट हो रहा है इसके बारे में, और पेपर लीक के सीबीआई जांच की वजह से कुछ सबूत भी मिले हैं। तो अगर ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार रीनीट फिर से हो, है ना। इसीलिए मन से पढ़ाई कीजिए, वीक में कम से कम 2 टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, खास करके जो 2024 में पेपर दिए हैं जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी लगता है कि हो चुका है, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, उनको मैं स्पेशली बोलूंगा कि आप अपना पढ़ाई और ज्यादा करें और मेहनत करें, खूब मेहनत करें, अपना जी जान लगा करके अभी फिर से पढ़ाई शुरू कर दें। अगर रीनीट होता है तो भी आपके लिए अच्छा है, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार चला जाता है, लेवर नेवर गोज इन वेद। तो आपको जान इस वीडियो के अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि अपना हौसला बिल्कुल बुलंद रखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नए मंजिल के लिए। ये एक पन्ना था, ये एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। इसीलिए पूरे जी जान लगा के मेहनत कीजिए और 2024 में अगर रीनीट होता है तो 4 डालिए। ओके, थैंक यू।